हेलो बच्चों, क्या आप मेरे साथ स्पेस सफारी पे चलना चाहेंगे और रॉकेट साइंस के मिस्टीरियस सीक्रेट्स को अनवील करना चाहेंगे और मेरे साथ आर्ट ऑफ कोडिंग को सीखना चाहेंगे? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहेंगे? सो फॉर दैट पर्पस आई विवांशु दोसाया ऑन बिहाफ ऑफ रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा प्रेजेंट्स यू एन एक्सक्लूसिव वर्कशॉप दैट इज कोड टू कॉस्मोस। ये वर्कशॉप रहने वाली है क्लास 6 टू 12 के स्टूडेंट्स के लिए कम्प्लीटली फ्री, और ये वर्कशॉप रहेगी हमारी चार टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड, दैट इज साइबर टेक्नोलॉजी, रॉकेट साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कंसेप्ट ऑफ कोडिंग पे। इस चारों टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड ये वर्कशॉप रहेगी और ये रहेगी 29 अप्रैल to 1 मई 2024। टाइम रहने वाला है 4 PM to 5:30 PM, ऑफलाइन मोड में इन रिलायबल इंस्टीट्यूट कैंपस कोटा में। तो देखते हैं फर्स्ट डे हमारा कौन सा सेशन रहने वाला है। फर्स्ट डे हमारा सेशन रहेगा कोडिंग का सेशन, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कोडिंग। बेसिक्स ऑफ कोडिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वर्कशॉप का कंटेंट है फॉर क्लास 6 टू 12 के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इस कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक कोई नोविस, कोई बिगनर जिसको ये भी नहीं पता कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, वो भी इस वर्कशॉप के थ्रू सीख सकता है कि कोडिंग करके सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनती है, वो भी ये सीख सकता है। साथ ही हम सीखेंगे नीड ऑफ कोडिंग, कोडिंग की क्या जरूरत है आज के टाइम पे, आज के इस डिजिटल फेस में हम कोडिंग को क्यों चाहिए हमको, कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कोडिंग की, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले सेशन में। रोबोटिक्स का सॉफ्टवेयर के साथ क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही फिर उसके बाद सेकेंड डे रहेगा हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है ये। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज पे। जैसे कि आप सबको पता है हमारा चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया, आदित्य मिशन हो गया, अलग अलग मिशन चल रहे हैं, साथ ही दूसरी कंट्रीज़ के इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा इसरो, नासा, रशिया का रोसकॉस्मोस हो गया, इन सब के क्या क्या मिशन चल रहे हैं, क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा मार्स के लिए जो लाइफ में मिशन चल रहा है, जो वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी चेक करने में जो मार्स एक्सप्लोरेशन चल रहा है, ये हमारा की पॉइंट होने वाला है इस वर्कशॉप के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा रहने वाला है एक्सोप्लैनेट का टॉपिक। एक्सोप्लैनेट्स वो टॉपिक होते हैं जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स सर्च कर रहे हैं लाइफ की पॉसिबिलिटीज और कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे मूव ऑन कर सकें दूसरे एक्सोप्लैनेट्स पे जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो। उसी के साथ सेम डे हमारा रॉकेट साइंस का सेशन होने वाला है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रॉकेट साइंस के सेशन में हम सीखेंगे कि रॉकेट कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉकेट क्या होता है, रॉकेट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, रॉकेट को लॉन्च करने में किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, रॉकेट का क्या फ्यूल सिस्टम होता है, रॉकेट में किस तरह थ्रस्ट जनरेट होती है, रॉकेट के किस किस कौन कौन से इंजन्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से फ्यूल सिस्टम यूज़ होते हैं, जैसे कि रॉकेटरी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, इन तीनों टाइप्स के फ्यूल में कौन सा फ्यूल बेस्ट होता है, कौन सा फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम में बेस्ट थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट किस तरह ग्रेविटी को डिफीट करके रॉकेट को मूव ऑन करता है स्पेस में जाने के लिए, इन सब टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिकल भी करेंगे रॉकेट साइंस में विद इन द वर्कशॉप, तो बहुत मजा आएगा। थर्ड डे रहेगा हमारा साइबर सिक्योरिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साइबर सिक्योरिटी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेस्ड कंसेप्ट पे, जो कि रहेगा नेटवर्किंग प्रिंसिपल। नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, कोई हमारे नेटवर्क में कैसे ट्रेसपास करता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे चुरा सकता है, कैसे हार्म पहुंचा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्लस इंटरनेट पे कौन कौन सी चीज़ें अब फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम से हम किस तरह बच सकते हैं, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, उनको कैसे हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके हम साइबर क्राइम को अवॉइड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्लस साइबर सिक्योरिटी का नाम आता है कि OTP नहीं आ रहा है, OTP इंटरनेट फ्रॉड हो गया मेरे साथ, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। मालवेयर वायरसेस के टाइप्स के बारे में सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सो काइंडली प्लीज़ अटेंड दिस वर्कशॉप एज एन अपॉर्चुनिटी एंड रजिस्टर्ड फॉर दिस वर्कशॉप कोड टू कॉस्मोस आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन बिलो। थैंक यू।